अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, आज की वीडियो में दो नए प्लांट्स के एडिशन दिखाऊंगा अपने पास, जो कि एज अ गिफ्ट मिले हैं। कल प्लांट्स डिलीवर करने के लिए गया था दो जगहों पर, तो वहीं से गिफ्ट भी मिले हैं, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि वो कौन से प्लांट्स हैं। फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहा हूँ और वो हैं ये होया सनराइज। होया में बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, तो ये होया की एक सनराइज़ के नाम से एक वैरायटी है। ये इंडोर प्लांट है और बहुत खूबसूरत ये प्लांट बनता है। इसमें डिफरेंट शेड्स आ रहे होते हैं, इसके लीव्स इस तरीके के होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लीव्स इसमें से निकलते हैं और इसमें कोई फ्लावर नहीं आता। ये एक वाइन टाइप के बन जाती है। मैं इसकी अभी पिक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये होया सनराइज़ किस तरीके का बन जाता है। तो ये इस तरीके का ये एक प्लांट बन जाता है, जो कि इंडोर प्लांट है। बहुत खूबसूरत कलर आते हैं, जिस तरीके की हम इसको लाइट प्रोवाइड करेंगे तो उस लिहाज से इसके शेड्स इसमें बन रहे होते हैं। इजी टू ग्रो है और इसको आप ज़्यादा ठंड भी नहीं चाहिए थी, नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत अच्छा ग्रो होता है। बल्कि समर सीज़न स्प्रिंग में इसकी ग्रोथ अच्छी जाती है, विंटर्स में डॉर्मेंसी में चला जाता है। और ह्यूमिडिटी भी आई गेस इसको 60-70% बस चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं। और ये इसकी छोटी सी केयर है, पानी इसको किसी भी किस्म का पानी दिया जा सकता है, 6.5 से लेके 7.5 पीएच तक इसका पानी दिया जा सकता है। फर्टिलाइज़र के लिए महीने में एक मरतबा फर्टिलाइज़र दे दें बस। तो ये प्लांट की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी होया सनराइज़ की, जो मेरे कल एज अ गिफ्ट मिली है। और ये इसकी रूट्स भी आ चुकी हैं, कटिंग्स लगाई थी, तो मैं इंशाल्लाह इसको लगाऊंगा आज। इसको मैं कोकोपीट के मीडियम में लगाऊंगा। इसको लाइट वेट पॉटिंग सॉइल में लगाते हैं, जितना लाइट पॉटिंग सॉइल होगा उतना अच्छा रहेगा। फिर इसको हैंगिंग पॉट में मैं शिफ्ट कर दूंगा तो ये हैंग हो जाएगा। ये इसको हैंग भी किया जा सकता है, इसके लीव्स जो होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। और अगर इसको सपोर्ट दे दी जाए तो ये सपोर्ट किसी दरख्त के ऊपर या पोल के ऊपर भी टाई करके ऊपर के अपवर्ड्स की डायरेक्शन में भी ये प्लांट जाता है, दोनों तरीके से होते हैं। तो मैं इसको अभी कोकोपीट में लगाऊंगा। तो ये है, बाकी इसके बाद इसको भी देख लेते हैं कि ये एक प्लांट मुझे मिला था ये, जिसके कुछ लीव्स इस तरीके के हैं। इसको मुझे सेट करना है अभी और ये इस तरह से है। तो ये है एक सिंगोनियम की ही एक वैरायटी है, जिसके लीव्स इस तरीके के हैं। काफ़ी अलग एक सिंगोनियम की वैरायटी है, जिसको फाइलोडेंड्रॉन में समझ रहा था, लेकिन ये है सिंगोनियम। तो ये दो प्लांट्स एज ए गिफ्ट मुझे मिले हैं, जिनको मैं सेटअप करूंगा अपने पास और फिर इनकी ग्रोथ देखेंगे, इनकी परफॉर्मेंस को देखते रहेंगे कि कैसे कैसे मेरे पास जा रही हैं। और जैसे जैसे मज़ीद इन प्लांट्स की इम्प्रूवमेंट होगी तो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएगा। इन प्लांट्स के बारे में अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस हो तो मुझे ज़रूर बताएगा कि प्लांट्स इनकी मैं कैसे केयर करूँ कि मेरे पास अच्छे से ग्रो हो सकें। ये होया फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहा हूँ और सिंगोनियम का तो एक्सपीरियंस है, लेकिन सिंगोनियम की ये वाली वैरायटी फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहा हूँ। तो जिस चीज़ के बारे में भी आपके पास एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर अपना आइडिया देखिए, मुझे गाइड कीजिएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।